हेलो स्टूडेंट्स, अभी इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे के लाभ। व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने से संबंधित सामान्य सिद्धांत कौन से हैं, यह हमारा आज का टॉपिक है। फर्स्ट, सबसे पहले करदाता द्वारा व्यापार का संचालन। आयकर अधिनियम की धारा 28 के अनुसार इस शीर्षक के अंतर्गत आयकर उस व्यक्ति पर लगता है जो व्यापार का संचालन कर रहा हो, चाहे वह व्यापार का स्वामी हो अथवा नहीं हो। इस शीर्षक के अंतर्गत कर लगाने के लिए व्यापार का स्वामित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यापार का संचालन। यह आवश्यक नहीं है कि करदाता स्वयं अपने ही हाथों से व्यापार करता हो अथवा व्यापार का संचालन करता हो। करदाता के लिए अन्य व्यक्ति भी व्यापार को चला सकता है अथवा संचालन कर सकता है, परंतु करदाता को संचालन का पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर लगाना। यदि करदाता द्वारा कई व्यापार किए जा रहे हो तो उन सभी व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर पृथक पृथक अलग अलग आयकर नहीं लगता है, बल्कि पहले प्रत्येक व्यापार अथवा पेशे की कर देय आय ज्ञात कर ली जाती है, फिर सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर की गणना की जाती है। नेक्स्ट, सट्टे के व्यापार के लाभ। सट्टे के व्यापार के लाभों पर भी इसी शीर्षक के अंतर्गत आयकर लगता है, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु सट्टे के व्यापार के लाभ एवं हानियों को अन्य व्यापारिक आयों से पृथक रखा जाता है, यानी अन्य व्यापारिक आयों में उस सट्टे के व्यापार के लाभ को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से ही हो सकती है, अन्य व्यापारिक लाभों से नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार बंद होने पर संपत्तियों के विक्रय पर लाभ। व्यापार की समाप्ति या व्यापार बंद होने के पश्चात संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभों पर भी इस शीर्षक के अंतर्गत ही आयकर नहीं लगता, परंतु यदि व्यापारिक स्कंध यानी स्टॉक ऑफ ट्रेड को अलग से बेचा जाता है तो स्टॉक के विक्रय से होने वाले लाभों पर इस शीर्षक में ही आयकर लगता है। गत वर्ष में व्यापार का संचालन। व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत आयकर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि गत वर्ष में किसी भी समय व्यापार का संचालन किया गया हो, चाहे संपूर्ण वर्ष के लिए या कुछ समय के लिए। संपूर्ण वर्ष व्यापार का चलाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लाभकारक स्वामित्व। आयकर अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत व्यापार के लाभों पर आयकर लगाते समय व्यापार का कानूनी स्वामित्व लीगल ऑनरशिप ही नहीं बल्कि लाभकारक स्वामित्व बेनिफिशियल ऑनरशिप भी देखा जाता है। यदि व्यापार का लाभकारक स्वामी यानी आय का वास्तविक प्राप्तकर्ता व्यापार के
कानूनी स्वामी से भिन्न है, अलग है, तो व्यापार के लाभों पर लाभकारक स्वामी पर आयकर लगेगा। बेनामीदार जिसके नाम पर व्यापार चलता हो परंतु जिसको वास्तव में व्यापार की आय प्राप्त नहीं होती, उस पर आयकर नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, भावी लाभ। गत वर्ष में हुए वास्तविक लाभों पर ही आयकर लगता है। आयकर अधिकारी को काल्पनिक, अनुमानित अथवा भावी लाभों पर आयकर लगाने का अधिकार नहीं है, अर्थात प्रीवियस ईयर में हुए एक्चुअल प्रॉफिट्स पर ही इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों का पालन। व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर देय लाभों की गणना करते समय वाणिज्य के सामान्य सिद्धांत, कॉमर्स के जनरल प्रिंसिपल्स का पालन करना आवश्यक है ताकि वास्तविक लाभों की राशि ज्ञात की जा सके। उदाहरण के लिए, जैसे कुछ ऐसे व्यय, कुछ ऐसे एक्सपेंसेज हो सकते हैं जो आयकर अधिनियम में स्पष्टतया स्वीकृत ना हो, परंतु यदि ऐसे व्यय करदाता द्वारा व्यापार में किए गए हो एवं व्यापार के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे एक्सपेंसेज घटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एकाकी व्यवहार। एकाकी व्यवहार सिंगल ट्रांजैक्शन के लाभों की गणना करते समय उस व्यवहार, उस ट्रांजैक्शन से संबंधित सभी खर्चों को घटा दिया जाता है, भले ही उसमें से कुछ व्यय हिसाबी वर्ष से पहले हुए हो। लास्ट पॉइंट, गत वर्ष के पूर्व स्वीकृत की गई हानि अथवा छूट। यदि करदाता को गत वर्ष प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसी राशि प्राप्त होती है जो गत वर्ष से पूर्व किसी भी वर्ष में हानि लॉसेज, खर्चे एक्सपेंसेज अथवा दायित्व लायबिलिटीज के रूप में घटा दी गई हो, तो ऐसी प्राप्त राशि करदाता के गत वर्ष में कर देय लाभों को में जोड़ दी जाएगी और उस पर आयकर लगेगा। यह थे हमारे व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने से संबंधित सामान्य सिद्धांत।